त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, बाजारों में लोगों को आना जाना है। ऐसे में करनाल में कहीं पर भी जाम की स्थिति पैदा ना हो और लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए करनाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। प्लान के तहत करनाल के वो स्थान जहां अधिक भीड़ रहती है, वहां पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जहां से भारी वाहनों का आना जाना बंद है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन वाहनों का चालान किया जा रहा है जो कि नो पार्किंग जोन में खड़े रहते हैं। समाचार एक्सप्रेस की टीम ने आज करनाल के कई व्यस्त इलाकों का दौरा किया। कुंजपुरा रोड पर भी भीड़ आज कम देखने को मिली, तो वहीं कर्ण गेट पर कई दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इन सबके दौरान कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना अधिकांश दुकानों पर देखने को नहीं मिली। बात करने पर उनका कहना था कि बाजार में भीड़ अधिक है और स्पेस कम है, यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उचित रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। त्योहारों के बारे में दुकानदारों ने बताया कि कोरोना या फिर लॉकडाउन का कोई भी अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लोग पहले की तरह उत्साह और उमंग से भरे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह साल भर के त्यौहार हैं, इन्हें उमंग और खुशी से मनाना चाहिए, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने माना कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनकी पालना भी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कम तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं। अपनी देखभाल से ही दूसरों की देखभाल की जा सकती है, इसलिए जहां तक संभव हो सके कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियों को बरतें। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं करनाल के करण गेट पर। मैं आपको बता दूं कि ये करनाल का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। यहां पर ट्रैफिक करनाल की ट्रैफिक पुलिस द्वारा जाम की स्थिति ना हो और लोगों को आने जाने में सुचारू रूप व्यवस्था बनी रहे और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम ट्रैफिक इंचार्ज से। पर मैं आपको बता दूं कि देखिए किस तरह से पुलिस मुस्ताद है और आने जाने वाले वाहनों की देखा जा रहा है और उनको बाकायदा इशारा करके इधर से इधर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल के ट्रैफिक इंचार्ज रमेश सिंह डांगी सर। डांगी सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ट्रैफिक शहर की जो खबरें को कवर करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसके बारे में क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि फेस्टिवल सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, लोगों का आना जाना बहुत हो गया है शहरों के अंदर, शहरों में जाम की स्थिति ना पैदा हो या लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोई आपने मास्टर प्लान तैयार किया है या कोई रूट वगैरह डाइवर्ट करने का प्लान किया है? इसके लिए मैंने जो शहर करनाल में आते हैं आम जनता से अपील भी की है, अनाउंसमेंट भी किया है। इसके लिए 5 बैरिगेट लगाए गए हैं, जो कि नंबर 1 सचदेवा जो स्वीट हाउस है वहाँ से हैवी व्हीकल को वहाँ अंदर एंट्री नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल है या को हैंडीकैप्ड या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड हो उसको अलाउड किया गया है। इस तरह दूसरा ये हमारा आप देख रहे होंगे ये सिटी ट्रैफिक के साथ में है, यहाँ भी ऐसे बैरीगेट लगा है। कमेटी चौक पर है, नावल्टी रोड पर है, एक अंदर गुड़ मंडी मार्केट के कोने पर है। सर, अगर प्रतिदिन कितने चालान काटे जा रहे हैं? लोग तो मानने को तैयार नहीं है, चालानों की क्या संख्या, चालान कितने काटे जा रहे हैं? ऐसे इसमें चालान नहीं, इसमें ये है कि जो गाड़ियां ना रोंग साइड पार्किंग कर जाते हैं उन गाड़ियों को 2-3 दिन से अभियान चला गया है। जो गाड़ियां का मालिक नहीं मिलता तो उस गाड़ी को टोइंग करके यहाँ ले आते हैं, अगर मालिक मिलता तो उसको रोंग साइड का चालान किया जा रहा है। कितने का चालान है रोंग साइड का? रोंग साइड का 500 रुपये का चलान है, टोइंग के 200 रुपये हैं। डांगी साहब, अब आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि उनके लिए भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो, क्या क्या करना चाहिए और क्या कदम उठाने चाहिए उनको? भाई, मैं आपके माध्यम से आम जनता को यही अपील करना चाहूँगा, भाई आप है ना बाजार में आए तो उसमें अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाएं और अपने जो कीमती जेवरात हैं उनको अपने संभाल कर रखें, कोई भी मतलब ऐसी दुर्घटना होने से बचें, कोई आदमी को जिना जप्टी की कार्रवाई ना कर सके। देखिए, ये हमारे साथ सिटी ट्रैफिक इंचार्ज रमेश सिंह डांगी जी, इन्होंने हमें विस्तार से बताया करनाल में किस तरह से 5 जगह बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा जो भी नो पार्किंग में वाहन खड़ा होता है उस वाहन अगर उसका मालिक मिल जाता है तो उसे तुरंत चालान थमा दिया जाता है, अन्यथा उसके वाहन को टोचन करके साइड में लगा दिया जाता है। इन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें और ऐसी कोई भी दुर्घटना उनके साथ घटित ना हो जिससे उनको नुकसान झेलना पड़े, वो इस तरह से बिल्कुल अपने आप को ध्यान में और अपने
समझ से बाजारों में जरूर आएं, बाजारों में अपनी खरीदारी करें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। क्योंकि समय खड़ा हूँ करनाल के सबसे व्यस्त इलाके कुंजपुर रोड पर। मैं आपको बता दूं कि हर समय यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन आज करवा चौथ का दिन है, जिस कारण थोड़ी सी रौनक कम है। क्योंकि महिलाएँ आज अधिकतर महिलाएँ अपने अपने घरों में हैं, जो जिन्होंने खरीदारी करनी थी वो कल कर चुकी हैं खरीदारी। लेकिन बावजूद इसके बाजारों में क्या हालात हैं, बाजार कैसे हैं, बाजारों में कितनी रौनक है, बाजारों में मंदी है या बाजारों में आने वाले लोगों में कितना उत्साह है, इस बारे में हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले एक दुकान पर चलते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये वो दुकान है जहाँ पर धार्मिक पुस्तकें, पोशाकें, मालाएँ, कान्हा जी की पोशाकें व श्रृंगार आदि का सामान मिलता है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार इस समय मौजूदा समय में क्या हालात हैं। ये मैं इस समय खड़ा हूँ कुंजपुरा रोड पर स्थित पूजा पैलेस में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है दुकान के मालिक। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुनील गाबा है। गाबा साहब, एक चीज़ बताइए, फेस्टिवल सीजन अब स्टार्ट हो चुका है, आज करवा चौथ का दिन है, तो कल लेडीज़ मैक्सिमम लेडीज़ थी जिन्होंने खरीदारी करनी थी वो कर चुकी हैं, आपका कारोबार कैसा है? देखिए, हम पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर फील्ड में है, हमें पूजा पाठ और हवन सामग्री और कान्हा जी से रिलेटेड आर्टिकल्स सेलिंग में हैं। हमारे यहाँ पर करवा चौथ से रिलेटेड आर्टिकल्स इतने हमारे पास सेलिंग में नहीं है, बट जहाँ पर भी ये आर्टिकल सेल हो रहे थे, जब करवा चौथ से रिलेटेड करवा उनके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे उनकी सेलिंग थी, वहाँ पे रश काफ़ी देखने को मिला है। हमारे यहाँ पे अभी जैसे आने वाले टाइम के अंदर अभी तीज त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बाद जैसे दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है, विश्वकर्मा गोवर्धन पूजा, जो कि हमारे मोर और लेस हमारे जिसमें पूजा पाठ से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स, उम्मीद है कि उसमें सेलिंग हो सकती है। सर, कोरोना को कोई इम्पैक्ट देखने को दिख रहा है मार्केट में? कोरोना को कोई इम्पैक्ट है? अभी तक तो जो दिख रहा है कि उसका इम्पैक्ट पीछे काफ़ी, जैसे लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, लोगों का बाहर आना जाना बहुत कम था, बट जैसे जैसे समय बीत रहा है तो लोग इससे थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह की कमी तो नहीं है, बट कोरोना से थोड़ा डर भी है, लोग डर के निकल रहे हैं। ये हमारे साथ गाबा जी हैं, इन गाबा जी ने हमें बताया कि इनकी जो दुकान है, इनके पास धार्मिक तरह की धार्मिक मूर्तियाँ, धार्मिक पोशाकें, मतलब कि धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें इनके पास मिलती हैं, इसलिए अभी फिलहाल इनके पास इतना रश नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में इनके पास जैसे विश्वकर्मा डे है, विश्वकर्मा डे आएगा, गोवर्धन पूजा आएगी, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, कि उन दिनों में इनके पास भी ग्राहकी आने के पूरे आसार हैं। कोरोना के बारे में उन्होंने बताया कि कोरोना का इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह भी उभर रहा है और लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। गाबा जी, अगर एक बात बताऊँ, आपकी दुकान पर जितने भी लोग आते हैं, क्या आप उनको कोरोना से जो सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनके रिगार्डिंग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बताते हैं? हाँ जी, मैं जब भी मेरे पास कुछ ग्राहक ज़्यादा संख्या में एकदम आ जाते हैं तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि एक तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, उनको मैं सैनिटाइज़र का यूज़ करने के लिए बोलता हूँ, मास्क का यूज़ करने के लिए बोलता हूँ, एक डिस्टेंस अपने से भी उनसे दूर रखता हूँ, और जैसे भी होता है मैं अपना कोशिश मैक्सिमम से मैक्सिमम करता हूँ कि वो अगर ज़्यादा संख्या में आ गए हैं तो उनको बाहर ठहराने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपकी अपनी प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। देखिए गाबा जी, इन्होंने विस्तार से बता दिया कि कोरोना, इनकी दुकान पर जब भी ग्राहक आते हैं तो ये उनसे उनको कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करने के लिए पूरी तरह से सचेत करते हैं, पूरी तरह से उनको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद भी सैनिटाइज रहते हैं, कस्टमर्स को भी सैनिटाइज करते हैं। कस्टमर अगर अधिक संख्या में आ जाते हैं तो ये उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करवाते हैं। मैं इनकी तरफ से एक बार फिर जनता से अपील करूंगा कि कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए गाबा जी की और हमारी समाचार एक्सप्रेस की एडवाइस को मानते हुए आप सभी दुकानदारों से, सभी लोगों से अपील है कि वो गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। बाजारों में किस तरह से सामान पड़ा है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की बिक्री हो रही है। मैडम, ये बिक्री किस तरह से हो रही है आपके बाहर? तो ना, मतलब इतनी नहीं हो रही है, लॉकडाउन की वजह से भी लोग थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और जैसे आप देख रहे हैं अभी भी हमारे सामान बचा हुआ है। मैम, ये कितने दिनों तक रहेगा आपका यहाँ पर ये करवे? तो आज ही हैं और हो ही भी है, फिर कल से बैठ जाएंगे, कल भी बैठेंगे, मतलब 14 तारीख तक तो बैठेंगे, दिवाली तक। देखिए आपके बार वो बात नहीं है जो हर बार होती है, और हर बार जैसे बिकता है, और लॉकडाउन की वजह से भी मतलब नहीं हो रहा है इतना, और गली गली में भी जैसे लोग बेचते हैं, मतलब बाजार में इतना नहीं हो रहा है, और वैसे हमें बैठने दिया जा रहा है, परमिशन तो मिली हुई है। इनको बैठने की परमिशन तो मिली है, लेकिन 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 लॉकडाउन के चलते, लेकिन लॉकडाउन के कोरोना और कोरोना को अगर हम कोरोना की बात कर लें तो कोई इम्पैक्ट जरूर पड़ा है लॉकडाउन के दौरान, खरीदारी कम है। इनका ये कहना है कि जिस तरह पहले बिक्री होती थी उस तरह की बिक्री अब नहीं हो पा रही है, अब इनके पास मात्र एक या दो दिन और हैं जिस तरह ये बाज़ार में बैठेंगे, जिनकी परमिशन इनके पास है, इनमें अगर इनका सामान बिक जाता है तो ठीक है, अन्यथा इनको अपना सामान वापस लेकर जाना पड़ेगा। इनका वही कहना है कि कोरोना का इम्पैक्ट इन पर, इनके व्यवसाय पर जरूर देखने को मिल रहा है। मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, बाजार का और दृश्य दिखाऊंगा अभी किस तरह से
किस तरह से बाजारों में रौनक जरूर है लेकिन ग्राहकों में क्या उत्साह है वो बात करने का प्रयास करेंगे हम दुकानदारों से। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके जो उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी है, चाहे उनके माता पिता चाहे कोई भी है, तो एक बच्चे की पूरी सपोर्ट करते हैं और जब तक फैमिली की सपोर्ट ना हो तब तक कुछ नहीं होता। तो उसी के ही में मतलब एक देख के कि भाई क्यों नहीं एक एकेडमी हरियाणा पे खोली जाए, क्योंकि हरियाणा के लोगों पे बहुत जुनून है और जितने भी मेरे पास वहाँ पर जलंधर में है एज ए स्टूडेंट है सीखने वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हरियाणा के, तो उसको देख के मैंने यहाँ पर खोली और उससे बहुत फ़ायदा होएगा। जो युवा है वो उनको बहुत फ़ायदा होएगा, जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं वो नशे से कन्वर्ट होकर मतलब इधर गेम करेंगे, अगर गेम करेंगे तो अपना एक सभी मतलब हिंदुस्तानियों का फायदा होगा, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाएंगे और एक नशे से। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा, आपकी कोई मुलाकात वगैरह सहयोग मिल रहा है आपको लगता है? बिल्कुल बहुत बार उनसे मैं मिला हूँ और जब जब हमने देखो जैसे हमने पीछे अभी करनाल पे कराया था कंपटीशन और अम्बाड़ा कैंट कराया था और उधर पंचकूला कराया था हमने, तो पूरा सहयोग देते हैं कि भाई आप करो, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ है, तो अच्छा लगता। तो यही होना चाहिए, अगर हम बोलिए कि सारी चीज़ें अगर हम सरकार पे थोपनी चाहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह मतलब कोई आगे बढ़ेगा। मतलब सैनिक और खिलाड़ी ये दोनों भारत के लिए एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं देश को। आज विजय कारगिल दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन शहीदों के नाम और उन फौजी भाइयों के नाम जो चीनी सेना से भी लड़ते हैं, पाकिस्तानी सेना से भी लड़ते हैं और डटे रहते हैं बॉर्डर पर? मैं सारे जितने हमारे आर्मी के सैनिक हैं सभी को ही मैं एज ए मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि भाई हमारी जो रक्षा, आज हम घर पे आराम से सोते हैं, हम कोई बिजनेस करते, हम कोई पॉलिटिक्स करते, हमारे बच्चे पढ़ते, कुछ भी काम करते हम उन आर्मियों करके, तो वो बिल्कुल एक तकड़े होकर लड़े और सारा हिंदुस्तान उनके साथ है और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मतलब यू नो आज राठौड़ जी के आज आप घर बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। मतलब राठौड़ जी के आज आप घर पहुंचे हैं, क्या संदेश, क्या मुलाकात के मायने कुछ समझ आ जाए? आज देखो मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं, जो एक अच्छे इंसान होते हैं तो वो जैसे बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक ही कहीं ना कहीं से खींच के आते हैं। तो मैं एक जो युधिष्ठिर भाई अपने राणा जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई इन्होंने एक पुल का काम किया है कि भी जो वीरेंद्र राठौर जी से मिलाए, इन अच्छे लोगों से मिलाए, तो हम आगे और अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए और एक समाज के लिए। तो वही मेरा भी एक उद्देश्य है मतलब कि भी एक समाज के लिए कुछ करिए, तो अब इकट्ठे में हुए तो आगे देखते फिर। अभी एक आखिरी सवाल, टीवी पर जब मैं बच्चा था तो जरूर WWE और WWF देखा करता था, आज के बच्चे भी देखते हैं, वीडियो गेम भी खेलते हैं, कितनी सच्चाई होती है और क्या आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों को खासकर, क्योंकि बच्चों का ध्यान जरूर उस तरफ रहता है, तो आपके माध्यम से क्या बताना चाहेंगे WWE और WWF के बारे में? WWE को देखना चाहिए और घर पे ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर पे प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, तो घर पे नहीं करनी चाहिए। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग ऐसे नहीं है कि घर पे करेंगे तो चोटें लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो बाकी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.